सभी को सादर जय जिनेन। मैं विशाखा टोपरे हैदराबाद से, जिन स्वरा के माध्यम से शास्त्र सजावट प्रतियोगिता में मैंने छड़ाला नामक ग्रंथ की वैयावृत्ति की है। इस ग्रंथ के रचयिता पंडित दौलत राम जी है। इनका जन्म सन 1755 से 56 के बीच में हुआ था। इनका जन्म स्थान सासन नामक ग्राम है। इनके पिता का नाम टोडरमल था। इनके चाचा जी का नाम चुन्नीलाल था। इनके पिता और चाचा कपड़े का व्यापार करते थे। दौलत राम जी भी पिताजी और चाचा के साथ उनका सहयोग करते थे। कुछ समय बीत जाने के बाद वह अलीगढ़ में छीट छपाई का काम करते थे। दौलत राम जी को स्वाध्याय में बहुत रुचि थी। वह जब भी अपना काम करते थे, वह उनके सामने चौपाई पर एक ग्रंथ रख के स्वाध्याय का अध्ययन करते रहते थे। यह भी कहा गया है कि वह एक दिन में 70 से 80 श्लोक का अध्ययन कर लेते थे। छड़ाला, छड़ाला नामक ग्रंथ बहुत सरल भाषा में लिखा गया है। इसको छोटा समय सार भी कहा जाता है। छड़ाला में छह ढालियों का वर्णन किया है, जैसे युद्ध में शत्रु के बचाव के लिए ढाल का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार इस संसार रूपी जीव को मिथ्यात्व से बचने के लिए छह ढाला का अवलोकन करना चाहिए। मंगलाचरण, तीन भुवन में सार वीत राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव का नमोति योग समारिके। इसमें सबसे पहले पहली ढाल में चार गति के दुख का वर्णन किया है, जैसे मनुष्य गति में यह जीव माँ की गर्भ में 9 मास तक असह्य पीड़ा सहन करता है, अपने शरीर को सुकोड़ लेता है। जब बाहर आता है तब वह पीड़ा तो अलग ही रहती है। फिर बालपन में अल्प ज्ञान की वजह से, युवा अवस्था में भोग विलासित होने और बुढ़ापन में शरीर शिथिल हो जाने के कारण दुख सहन करता है और आत्मकल्याण से दूर भागा जाता है। वैसे ही देवगति में यह देव ईर्ष्या भाव करता है, दूसरे देवों को देख के ईर्ष्या भाव करता है और दुखी हो जाता है। तिर्यंचगति में एक श्वास में जन्म मरण ऐसे 18 बार होता है और वह दुखी हो जाता है। नरक गति में तो दुख है, जहाँ देखो वहाँ दुख, पैर रोको तो दुख, इधर देखो तो दुख, उधर देखो तो दुख। इसी प्रकार इस चार गतियों में जीव को दुखी दुख होता है। दूसरी ढाल में यह जीव मिथ्यात्व का दर्शन करता है, जैसे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चरित्र के कारण यह चारों गतियों में भ्रमण करते रहता है और दुख ही सहन करता है। तीसरी ढाल में सात तत्वों का वर्णन किया है। सात तत्वों का श्रद्धा रखना ही सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन यह मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है। इसके बाद सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। तीसरी ढाल में सम्यक दर्शन के 8 अंगों का भी वर्णन किया है। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना। चौथी ढाल में, जैसे मैंने पहले बताया था सम्यक दर्शन, उसी प्रकार सम्यक दर्शन यह मोक्ष महल की पहली सीढ़ी है। यह तीनों का एकत्व, यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, तीनों को एकत्व प्राप्त करने से मोक्ष मार्ग प्राप्त हो सकता है। इस चौथी ढाल में इस सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र का वर्णन किया है। पांचवी ढाल में 12 भावनों का वर्णन किया है। इस 12 भावनों का अवलोकन करने से वैराग्य की ओर बढ़ने के लिए प्राप्त होता है। छठवीं ढाल में मुनियों का दर्शन स्वरूप बताया गया है। इस ढाल में मुनि का स्वाध्याय, त्याग, तप और क्या क्या आचरण होना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। इस प्रकार पंडित दौलत राम जी ने छड़ाला में 6 ढालियों के माध्यम से संसारी रूपी जीव को मोक्ष मार्ग तक पहुंचने के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, इस सब का बहुत अच्छे तरीके से सरल भाषा में वर्णन किया है। अगर आप यह छड़ाला नामक ग्रंथ को अध्ययन कर सके और अपने जीवन में उसका उपयोग कर सके तो आप भी सम्यक दर्शन जल्दी ही प्राप्त कर सकेंगे और मोक्ष महल को जल्दी ही पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार इस सजावट प्रतियोगिता में
और मेरे कुछ प्रेजेंटेशन में कुछ भी अभिनय हुआ हो तो जिनवानी माता से क्षमस्व जाती हूँ। सभी को सादर जय जिनवानी।